जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीकर, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। तो भाई जैसे मैं अपनी वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप डीजल के अंदर ना कोई वो बात बची और अगर आप डीजल इंजन की कोई गाड़ी ले रहे हो तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़िया होना ज़रूरी है। अब देखो इस हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी में आ चुकी है दिक्कत। सारे दोस्त वगैरह जो है हम कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रहे थे और अचानक से क्या हुआ, गाड़ी के अंदर इंजन चेक लाइट आ गई। स्पोर्ट मोड पे गाड़ी थी तो स्पोर्ट मोड से भी हट गई और पिकअप गाड़ी का बिल्कुल कम हो गया जैसे वो पहले हो गया था ना एक बार। पर पहले तो भाई चलो मानता हूँ मैं कि यार काफ़ी टाइम से हाईवे वगैरह पे नहीं गई थी गाड़ी, इसलिए डेफ रीजनरेशन वगैरह नहीं हुआ होगा। पर भाई अब तो यार हाईवे के ऊपर चल रही है, चलती चलती गाड़ी के अंदर ये दिक्कत आ गई। यूरिया गाड़ी के अंदर पूरा है, सब चीज़ें पूरी है और यार ये चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा माइंड जो है ख़राब कर देती है आपका। अब यार अपन ने 20-25 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर लगाए और ये चीज़ हो जाए यार, मतलब समझ में नहीं आया। जबकि अभी महीना भर भी नहीं हुआ होगा उस बात को, मैंने इसके अंदर रीजनरेशन वगैरह सब कुछ कराया और आप ये चीज़ देखना, अभी आपको दिखाता हूँ जो इंजन चेक लाइट वगैरह आ गई गाड़ी के अंदर। ये तो सारे फोटो खिंचवाने लग गए और स्टार्ट करना समय देखो, ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये देखो गाइस इंजन चेक लाइट आ रही है गाड़ी के अंदर और स्पोर्ट मोड लगाना, स्पोर्ट मोड लगा यहाँ से। अरे दादा ये रहा, अब लग गया स्पोर्ट मोड, मतलब चल जाएगी अब। पर इंजन चेक लाइट आ रही है इसलिए हम ज़्यादा तेज चलाएंगे नहीं, पर वरना भाई तो स्पोर्ट मोड वगैरह लग रहा है, चल मतलब चला के देखते। तो भाई स्पोर्ट मोड वगैरह तो लगने लग गया, पर अब देखते हैं देखो क्या होता है। वापस स्पीड पकड़ती नहीं पकड़ती, पर उसकी क्या चेक लाइट आ गई तो दिखाने तो पड़ेगी भाई। पर क्या ऐसे डर लग जाता है यार कि अब हम कहीं जा रहे हैं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ पे हाईवे पे कौन मदद करने वाला है भाई। ये चीज़ सोच के यार बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एकदम ख़राब हो जाता है। इतनी बढ़िया ट्रिप वगैरह चल रही थी, इतना बढ़िया चला रहे थे, गाने वाने चल रहे थे यार, पर एक्सपीरियंस मेरा पूरा ख़राब हो गया सोचो। इसलिए मैं सोचता हूँ यार इस गाड़ी को कहीं लेकर ही नहीं जाऊँ यार, दूसरी गाड़ी से चल जाएँ, पर रिलायबल नहीं। अब बताओ मैं कहाँ मनाली जाने की कहाँ सोच रहा था यार, गाड़ी को लेकर मनाली जाएंगे ब्लॉग बनाएंगे, पर ये गाड़ी है क्या उस लायक। बहुत एक्सपीरियंस ख़राब हो गया टाटा वालों ने। कर स्टार्ट एक बार, एसी वगैरह तो बढ़िया चल रहा है। देखो आपको यूरिया दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर, देखो डेफ की भी आधी टंकी है इसके अंदर, आधी टंकी डेफ की है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो चीज़ कवर करनी थी हमको 3 घंटे के अंदर वो हमने कवर कर ली यहाँ पे, लगभग कितना 2.5 घंटे 2 घंटे में ही डेढ़ में तो नहीं भाई 2 घंटे में तो कर ही ली। हाँ तो और ज़्यादा सुपर पायलट हो रहा है, कुछ नहीं भाई 2 घंटे में कवर कर लिया क्योंकि गाड़ी आई हमारी जो है 80-90 इसलिए, और हमारे हैवी ड्राइवर सुमित जी चला रहे थे गाड़ी। बाकी भाई एक चीज़ अच्छी हुई है चीज़ आने से कि आपको जो आज जो हम जिस जगह जा रहे हैं ना वो आपको दिखाएंगे भाई। मतलब राजस्थान जो लोग सोचते हैं ना, मतलब इतना सिर्फ कुछ भी नहीं है भाई, राजस्थान में सब कुछ है। गोवा नहीं भाई, एक चीज़ बता रहा हूँ पहाड़ी इलाका चालू हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ऊपर है वो जगह, तो लगभग हो सकता है 5-6 किलोमीटर हमको ऊपर चढ़ाई करनी पड़े, उसके बाद में जो व्यूज आएंगे ना भाई नेक्स्ट लेवल कसम से। ये देखो भाई ऐसी रोड अपन को राजस्थान में देखने को मिलेगी, एकदम सीधी सपट, कोई कुछ नहीं आ रहा, बस एकदम सीधी रोड है। यहाँ पे चलाओ जितनी स्पीड में चलाने पर, चलाना सेफ नहीं होगी, स्ट्रे कैटल्स वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पर भाई 3 जनों ने नेविगेशन खोल रखा है, 1 के 4 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 के 8 किलोमीटर और 1 के 15 किलोमीटर। मैंने बोला जिस जो 4 किलोमीटर वाला है वो 4 किलोमीटर बता रहा है, 8 वाला 8 रुपये, 15 वाला 15 वाला हमारे साथ चलो। ये आपको मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ द वर्ल्ड दिखाऊंगा, ये देखो आर ब्यूटीफुल, क्या बात है। दीक्षांत कौन सी कंपनी का चश्मा है तेरा? झारखंड मंदिर के मेले में। बजरी का ट्रक आ गया गाइस, सेल्फी भी आएगा गाइस। ये देख लो ऊपर विंड मिल, वाह भाई वाह, ये देख लो नजारे, देख ले तो ऊपर देख विंड मिल, क्या बात गाइस। हो चुकी है हमारी यहाँ पर पहाड़ी इलाका चालू और अब जो है यहाँ पर ऐसे हमको ऐसे गोल 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 होके जाना पड़ेगा और सीधा हम जाएंगे यहाँ से पर्वत के ऊपर, बढ़िया भगवान का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने। और मतलब ये वाला रास्ता ऐसा है जो मनाली के पुराने रास्ते हुआ करते थे ना, अभी भी जैसे अपन कहीं पे स्पीति वगैरह जाएंगे तो ऐसे रास्ते बीच में आते हैं, तो वहाँ का फील यहाँ पर थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ स्पीति, नहीं सच में स्पीति में ऐसी रोड आती है, मतलब हालांकि थोड़ी सी अब तो अच्छी हो गई। और यहाँ तो सारे सलमान खान बोलते हैं, और ये देख लो इतना ऊपर तो हम आ चुके हैं अभी यहाँ से,
और अभी तो और ऊपर जाना है हमको। यार मेरे ख्याल से पिकअप लग नहीं रहा मुझे इतना सही। नहीं यार फिर भी भाई भाई पहाड़ के अंदर कभी चलाओ ना तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस गियर में ऊपर जा रहे हो ना उस गियर में नीचे आना। ऐसे नहीं है जैसे फर्स्ट सेकंड में चल रही है ना गाड़ी तो फर्स्ट सेकंड में नहीं नहीं गाड़ी भागती है ना बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है कोई जरूरत ही नहीं है तो सेकंड गियर में डाल के रख अपने आप एक स्पीड में चलेगी गाड़ी खुद ही ब्रेक लगाएगी गाड़ी के टायर काम नहीं लगाएगी भूत आ जाएगा भाई तू ऐसे समझ ले। अरे ले ली रे यार ऊपर ले चल तू तो हम ये देखो गाइस क्या बात है हमारे राजस्थान में भी चट्टाने और पहाड़ और सब कुछ है भाई ये देख लो ऊपर यहाँ पे विंडमिल बढ़िया शानदार क्या बात है भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना वैसे वैसे कान बंद होते जा रहे हैं और ये कुरकुरे चिप्स की लड़ाई कर रहे हैं कि ऊपर क्लिक करो कुरकुरे बचा लो चिप्स बचा लो पता नहीं क्या कर रहे हैं ले ले यहाँ से कहते भाई यहाँ पर इन रोडों पर फील तो बहुत खतरनाक है पर गाड़ी अच्छी होनी चाहिए आपके पास थार जैसी या कोई स्कॉर्पियो जैसी। बाकी ये देखो भाई नज़ारे देख लो यहाँ से फिर सब अच्छी है भाई। बाकी यहाँ देखो नज़ारे वगैरह क्या शानदार आ रहे हैं। तूने रिव्यू तो दिया नहीं और ज्ञान दे रहा है। एल्टो तो आ सकती है यार एल्टो के ओनर ही बैठे पीछे हमारे पास यार आई ब्लॉग है क्या पाक जी भाई। और ये देखो ये बस 3 किलोमीटर और बचा है यहाँ पर हर्ष पर्वत और उसके बाद में आ जाएंगे अपन बहुत शानदार सी एक ब्यूटीफुल सी जगह। गाइस पार्थ ने एक सुंदर लड़की से आंखें मिला ली जिसके आई फ्लो रखा था जो इसके भी आई फ्लो हो गया। ये देखो भाई विंड मिल एक तो दीक्षांत घर पे लगा हुआ है ये देख लो गाइस क्या बात है मतलब भाई बहुत टाइम हो गया था जब मैं बहुत छोटा था ना तब गुजरात गया था तब देखे थे विंड मिल वगैरह और आज देखने का मौका मिल रहा है। और भाई नहीं यार ये कैसे घुमाते हैं पिकअप वाले हैं और वो भी डिग्गी के अंदर बिठा के पहले गियर में उठा हाँ रेस देके उठा हाँ वही सही बता रहा हूँ मारुति की हट्टी का ज्यादा बढ़िया है इससे तो यार ऐसा फील होने लग गया आजकल मेरे को सेवन सीटर की बात कर रहा हूँ विंडमिल क्या काम आता है हमारे भाई ये जो ऐसे घूम रहे हैं ना ये क्या करते हैं ये हवा बनाते हैं शानदार और फिर अपन नीचे से उतरेंगे ना तो बढ़िया एसी की हवा आएगी कूलर की हैवी ड्यूटी है खेतान के पंखे नहीं नहीं ये उसके खेतान के पंखे डेजर्ट कूलर यहाँ पर इतना बढ़िया मंदिर था मतलब अभी भी इतना बढ़िया मंदिर है पर यहाँ पे जब औरंगजेब वगैरह आए थे तो उन्होंने ये देखो ऐसे मंदिर तोड़वा दिए थे अपने तो मतलब अपने इंडिया के अंदर जो आर्किटेक्ट है भाई मतलब आप ये देखो ये नक्काशी वगैरह हो रखी है ये सब बना रखे हैं सब हैंडमेड है भाई। आज तो भले ही अपन मशीन वगैरह से करवा लेते हैं पर ये सब हैंडमेड है सोचो क्या तगड़ी कला थी लोगों के अंदर। अबे सुन ये औरंगजेब ने तोड़वा दिया था मंदिर पता है तेरे को? हाँ औरंगजेब ने सब तोड़वा दिया था औरंगजेब की MKB बटन ये तभी तो चढ़वा दिया तभी तो अपने गोविंद देव जी यहाँ पर आए थे 7 मंजिल का मंदिर था वो हाँ तो उसने क्या ऊपर दिया जलता था हाँ वो दिखता था आगरा से तो जब औरंगजेब को पता चला यहाँ दिया जलता तो उसने 4 मंजिल उड़ा दी 3 मंजिल भाई ऐसे तोड़वाने से थोड़ा ना कुछ कर पाएंगे थोड़े दिन के अब करके बताए देखे इनके जैसे करें सीधे बिटवीन 2 लैक्स तीर बाण चाक क्यों भाई सुमित सबसे भाई सबसे पहले हमारे इस पहलवान से भिड़ना पड़ेगा क्यों भाई अरे भाई 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 क्या भाई भाई क्या भाई प्रधान असलम भी रखते हैं प्रधान अरे तू यार बैठ क्यों जाता है मरीज है क्या चलना उधर कितना बड़े फोटो खींचता हूँ तेरी आ जा यार आ जा देख सीख कुछ पार्ट से सबसे पहले भगता है मिला है नहीं मिला कोई तेरे को इंस्टाग्राम यहाँ पे है भाई पार्थ
वाह यार, और वो कुछ माचिस के डिब्बे जैसे घर लग रहे हैं यार यहाँ से, तगड़ा यार। काश यार इतनी बड़ी जमीन मेरी होती सुमित से, है मंत्रा इतनी बड़ी जमीन अपनी होती भाई। और सोच कितना खाली पड़ा हुआ है लैंड यार। हाँ कितनी लैंड खाली खाली पड़ी हुई है यार, अपन देखते ना अर्थ से वो ग्रीन ग्रीन दिखता है। हाँ भाई यहाँ से तो मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये फॉग हो रहा है पूरा यार, बादल हैं क्या ये, पॉल्यूशन है क्या? हाँ पॉल्यूशन यार, क्यों पॉल्यूशन करते हो यार, देखो तुम लोग यार सोचो यार थोड़ा सा हैं। और क्या दिख गया? पिरामिड है क्या यहाँ पे? पिरामिड नहीं है वो, अरे पिरामिड, अरे इंडिया में सब कुछ है सारा, राजस्थान में सब कुछ है अपना, ईस्ट और वेस्ट, राजस्थान इज द बेस्ट। भाई सुन आज तो डाउट क्लियर कर दे, तेरी शादी की एक भी फोटो नहीं है मेरे पास, कहीं की सब है, मैं कोई कैमरा लेके भी मैं बोला था तेरे को। भाई मैं कोई कैमरा लेके तो ना खींच रहा था सबकी फोटो यार, मेरे को कब दिया तू, ऐसा बावड़ा आदमी बता, सब कुछ मेरे पास है। हाँ भाई यहाँ से, ओ वाह यार अपना देख, वाह यार यार फोटो खेच दो बढ़िया सी यार यहाँ पे यार। वो यहाँ से सालासर बालाजी दिख रहे हैं क्या? कहाँ रे ते, वो कब दिख गए? बावड़ा है क्या? मेरे को तो गायों का तबेला दिख रहा था वहाँ पे पूरा यार। एक बात तो यार, आंखें तो अच्छी यार अपनी यार सुमित है, आंखें तो अच्छी है अपनी यार। ये देखो दोनों फोटो में लग गए फोटोग्राफर, ये देख लगा इस विंड में है। तू कैसे दुखी हो रहा है, तेरी लुगाई का फोन नहीं लग रहा दिखता यहाँ पे? मम्मी को फोन कर रहा हूँ। झूठ मत बोल यार, इतने अच्छे तो नहीं हो तुम है? जानू जानू को 6 मिस कॉल कर रखे हैं यार, गलत बात है यार। हाँ भाई प्रधान प्रो भाई, यहाँ पर तो बंदर ही बंदर दिख गए, यहाँ के बंदर खतरनाक होते हैं, फोन वोन छीन लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखो भाई, मतलब आर्किटेक्ट कितना तगड़ा है यार, यहाँ पर ये नक्काशी वगैरह सब पुराने टाइम की बात ही अलग है यार। ये 300-400 पुराना मंदिर, 304 साल पुराना मंदिर। ओ भाई सुमित वाटर पियोगे? वाटर पानी पिलाएंगे, देख जल सुमित तो पानी पहले पिया है कभी पानी? हमारे राज में रहेगा तो पानी पानी पिएगा भाई। फोटो का पोज तो ऐसा हो भाई यार, यार करने वाला है क्या बात है यार, है काम तो तुम पीछे से बढ़िया ही करते हो यार। भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी शायद मंदिर है। लो भाई लोग आप भी दर्शन कर लो, माता जी का मंदिर है बिल्कुल गुफा के अंदर जाके, बहुत छोटी सी गुफा है वहाँ पर, भैरू जी और माता जी का मंदिर है। जय हो भाई, नो डाउट बहुत अच्छी जगह है, बट यहाँ पर दो चीजें हैं, तो कभी भी आप दोपहर के अंदर बताना थोड़ा शाम सी का ना, और आज संडे था तो आज भयंकर ही जबरदस्त भीड़ है भाई, तो यहाँ पर तो गाड़ियों का चक्का जाम लग रखा है। हालांकि डेस्टिनेशन वगैरह तो अच्छी है, देखो व्यू वगैरह लेना चाहो फोटो लेने के हिसाब से काफी बढ़िया है, और दर्शन वगैरह अच्छे हो गए, ये माला वगैरह मिली। अब चल रहे नीचे, देख लो भाई साहब मैं सेकंड गियर के अंदर गाड़ी नीचे उतार रहा हूँ, और आराम से यहाँ पर इंजन ब्रेकिंग यूज़ हो रही है, ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, इंजन अपने आप ब्रेक लगाता है भाई, और एफिशिएंसी भी बढ़िया निकल जाती है। वरना आप ऐसे गाड़ी स्टार्ट रख के फिर क्लच और ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक का भी नुकसान होता है, ब्रेक पैड ज़बरदस्ती घिसते हैं, और बिना मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं है भाई, गाड़ी के ऊपर भी लोड पड़ता है, ब्रेक के ऊपर लोड पड़ता है, सब चीज़ों के ऊपर लोड पड़ता है, तो आराम से बढ़िया मस्त रहो, एफिशिएंसी निकालते हुए ऐसे पहाड़ से नीचे आओ, क्योंकि कई बार पहाड़ों पर ब्रेक भी नहीं लगते, तो प्रेफरेबली ये रहता है कि ऐसी गाड़ी निकालो। बाकी भाई यही था आज का थोड़ा सा ट्रिप, जो है मन तो नहीं था व्लॉग बनाने का, ऐसे ही दोस्तों के साथ जा रहे थे पर व्लॉग बना दिया, क्योंकि आपके साथ ये सब शेयर अचानक से करना पड़ गया, जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, और अब जो है इंजन लाइट जा चुकी है भाई, देखो यहाँ पर चेक इंजन लाइट आ ही नहीं रही, जब वहाँ से निकले थे तब आ रही थी। तो भाई इस वीडियो में तेरा, अगर वीडियो पसंद आया चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।